दोस्तों इस वीडियो में जीके से संबंधित कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर करेंगे जो कि आने वाले एग्जाम्स रेलवे एएलपी टेक्नीशियन ग्रुप डी और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर जो पास वाली बेल आइकन है उसे भी ऑन कर दें, क्योंकि मैं डेली ऐसे ही एक से दो वीडियोज अपलोड करता हूँ जिसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी की स्थापना किस वर्ष की गई। अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी की स्थापना किस वर्ष की गई। आंसर है ऑप्शन बी, यानी 1571 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी ध्रुव कितने डिग्री अक्षांश पर स्थित है। मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, दक्षिणी ध्रुव कितने डिग्री अक्षांश पर स्थित है। आंसर है ऑप्शन ए, यानी 90 डिग्री अक्षांश पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपोलियन बोनापार्ट किस देश का निवासी था। नेपोलियन बोनापार्ट किस देश का निवासी था। आंसर है ऑप्शन सी, यानी फ्रांस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। आंसर है ऑप्शन बी, यानी एनी बेसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट किस नदी पर स्थित है। नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट किस नदी पर स्थित है। आंसर है ऑप्शन डी, यानी कृष्णा नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला पायलट रहित यान का नाम क्या है। भारत का पहला पायलट रहित यान का नाम क्या है। आंसर है ऑप्शन सी, यानी लक्ष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्तनत काल के किस शासक ने सर्वप्रथम अस्थायी सेना रखने की व्यवस्था की। सल्तनत काल के किस शासक ने सर्वप्रथम अस्थायी सेना रखने की व्यवस्था की। आंसर है ऑप्शन बी, यानी अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी आईएलओ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी आईएलओ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। आंसर है ऑप्शन सी, यानी जिनेवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्धाता रोग किस प्रकार का रोग है। बर्धाता रोग किस प्रकार का रोग है। आंसर है ऑप्शन बी, यानी अनुवांशिकी रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम गठित सहकारी समितियां कौन सी थी। भारत में सर्वप्रथम गठित सहकारी समितियां कौन सी थी। आंसर है ऑप्शन ए, यानी कृषि सहकारी समितियां। ध्यान दीजिएगा, कृषि सहकारी समितियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्टोरिया द्वीप किस महासागर में स्थित है। विक्टोरिया द्वीप किस महासागर में स्थित है। आंसर है ऑप्शन ए, यानी प्रशांत महासागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुमतेश्वर की मूर्ति कहाँ पर स्थित है। मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, गुमतेश्वर की मूर्ति कहाँ पर स्थित है। आंसर है ऑप्शन सी, यानी श्रवण बेलगोला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है। बाबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है। आंसर है ऑप्शन डी, यानी काबुल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निगम कर किस कर के अंतर्गत आता है। निगम कर किस कर के अंतर्गत आता है। आंसर है ऑप्शन ए, यानी केंद्र सरकार के प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत जो है निगम कर आता है। तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1942 ईस्वी में टोक्यो में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की। 1942 ईस्वी में टोक्यो में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की। आंसर है ऑप्शन सी, यानी रास बिहारी बोस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोपहेगन किस देश की राजधानी है। कोपहेगन किस देश की राजधानी है। आंसर है ऑप्शन ए, यानी डेनमार्क की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन्नपूर्णा पर्वत शिखर किस देश में स्थित है। अन्नपूर्णा पर्वत शिखर किस देश में स्थित है। आंसर है ऑप्शन बी, यानी नेपाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1582 ईस्वी में दीन ए इलाही की घोषणा किस मुगल शासक के द्वारा की गई। मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, 1582 ईस्वी में दीन ए इलाही की घोषणा किस मुगल शासक के द्वारा की गई। आंसर है ऑप्शन ए, यानी अकबर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीडी सावरकर ने 1904 में अभिनव भारत की स्थापना कहाँ की। बीडी सावरकर ने 1904 में अभिनव भारत की स्थापना कहाँ की। आंसर है ऑप्शन सी, यानी लंदन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमर्त्य सेन को सन 1998 में किस क्षेत्र के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। अमर्त्य सेन को सन 1998 में किस क्षेत्र के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। आंसर है ऑप्शन ए, यानी अर्थशास्त्र के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है। क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है। आंसर है ऑप्शन सी, यानी एल्युमिनियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीलिया रोग से संबंधित अंग है। पीलिया रोग से संबंधित अंग है। आंसर है ऑप्शन ए, यानी यकृत।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सुनार का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है, सुनार का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है। आंसर है ऑप्शन सी, यानी नौ संचालकों के द्वारा जो है सुनार का प्रयोग किया जाता है। तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकबर ने जजिया कर की समाप्ति किस वर्ष की। जजिया कर जो कि एक इस्लामिक धार्मिक टैक्स है जो कि गैर मुसलमानों के द्वारा जो है लिया जाता था। तो अकबर ने जजिया कर की समाप्ति किस वर्ष की, तो आंसर है ऑप्शन डी, यानी 1564 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है टीबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है, टीबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है। आंसर है ऑप्शन बी, यानी पैरों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है टीकाकरण की खोज किसने की, मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, और टीकाकरण की खोज किसने की। आंसर है ऑप्शन ए, यानी एडवर्ड जेनर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रिप्सिन का निर्माण कहाँ होता है, ट्रिप्सिन का निर्माण कहाँ पर होता है। आंसर है ऑप्शन बी, यानी अग्नाशय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मदर टेरेसा को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया, मदर टेरेसा को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। तो दोस्तों आप इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और आप इन क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन जो है ठीक कर पाए हैं ये भी कमेंट्स में बताएं। और ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो जो है आपको यहाँ पे मिलते रहेंगे। आप बस वीडियो को लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।